वेलकम टू ऑनलाइन और ऑफलाइन ज्ञान चैनल। माय नेम इज गौरव। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए नौकरी की जानकारी लेकर आया हूँ, इस नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए सबसे जरूरी बात, आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, फ्री फॉर्म है। दूसरी बात कि अगर आप मिनिमम 8वीं पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप 10वीं पास हैं, 11वीं, 12वीं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास इन्होंने रखी हुई है। एक बहुत ज़रूरी बात भाई, देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो नौकरी है ये सिर्फ असम वालों के लिए है, अदर स्टेट के बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर सकते। यूट्यूब पर मैंने 2-3 वीडियोस देखी, उन्होंने बस सीधा ये बोल दिया कि इसके लिए ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते। दोस्तों, मैंने आपको पहले बता रखा है, मैं जब तक वीडियो नहीं बनाकर लेकर आता जब तक मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना निकाल लूं। मेरा काम है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना और वो मैं आपको कर रहा हूँ। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताया था, ये जो डिपार्टमेंट है भाई, देखो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी। अब ये किस तरीके का आपसे काम करवाया जाएगा भाई, देखो ग्रेड 4 की पोस्ट है तो ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस किस तरीके के काम दे। तो अभी जो है हम काम पे डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको इतना बता दूं, इस नौकरी के लिए आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा जो आपका ऑफलाइन होगा। तो पोस्ट का नाम मैंने आपको बता दिया, ग्रेड 4 की पोस्ट है। और दूसरी बात, इसमें जो है आप पोस्ट देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी, ये कैटेगरीज दे रखी है, ऊपर आपको दिख जाएगी कैटेगरीज ये सारी की सारी, और इसके अकॉर्डिंग नीचे आप देख सकते हैं पोस्टिंग इन्होंने यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी दे रखी है। तो यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है, आई थिंक 65 पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें, देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्लास 8 पास होना चाहिए आपको, और आपको जो है 8वीं पास का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, वो भी कहाँ से, आपका असम इंस्टीट्यूट से, यानी असम का कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो, आपको वहां से पास होना है, तब जाके आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्टेट से हैं तो भाई भर तो देंगे, लेकिन बाद में फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा देख के। और पे स्केल की बात करें तो भाई देखो अच्छा अमाउंट दे रहे हैं। अब ये मत सोचना कि सीधा ही आपको 37,500 रुपये दे दिया जाएगा, स्टार्टिंग में कम होगी, धीरे धीरे करके आपकी सैलरी यहाँ तक जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर रिजर्वेशन भी दिया जाएगा जो हमारे SC ST कैंडिडेट्स है। उसके बाद एज की बात करें तो 18 से 44 साल इन्होंने एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है। 1/1/2018 के बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, मींस 1/1/2018 को आप 18 से कम नहीं होने चाहिए और 44 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस ये आप पढ़ लेना, मैं अभी डायरेक्टली आपको फॉर्म पर लेकर जाऊँगा, उसकी चिंता मत करो। लास्ट डेट की बात करें तो 16/11/2018 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर 2 तारीख को इसका फॉर्म आया, अभी तक आप वीडियो नहीं बनाकर लेकर आए। भाई देखो, मैंने आपको पहले ही बोल रखा, जब तक मैं डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेता या फिर मैं कैसे ना कैसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेता तो मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आता, चाहे उसका फॉर्म भरने के लिए 2 या 3 दिन ही क्यों ना बचे हो। तो मैं आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। उसके बाद भाई एक और बात बता दूँ, DP MTS के लिए और कुछ ऐसी नौकरियां जो कभी कभी निकलती है उसके लिए भी एक मेरा चैनल है दूसरा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और जिन्होंने दिल्ली पुलिस MTS का फॉर्म फिल किया उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पर वीडियोज़ आने वाली है और आ भी रही है। तो यहाँ पर कुछ आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको अपने साथ रखना, तो क्योंकि ये जो है आपके काम आएंगे बहुत ज़्यादा, आपको हो सकता है कि अपलोडिंग के लिए भी बोला जाए डॉक्यूमेंट। तो ये जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे, प्लीज़ रीड दीज टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली सो दैट आपसे कोई गलती ना हो। तो मैं जो है आपको डायरेक्टली फॉर्म पर लेकर चलता हूँ, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पहले मैं बता दूँ, सबसे पहला लिंक होगा फॉर्म का, दूसरा होगा नोटिफिकेशन का, और तीसरा होगा मेरे दूसरे वाले चैनल का। अब मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म पर लेकर चलता हूँ। तो भाई ये इसका फॉर्म है, मैंने डेस्कटॉप मोड ऑन कर रखा है, आप भी जो है यहाँ से जाके डेस्कटॉप मोड अपना ऑन कर सकते हैं और इसे इस तरीके से देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप जो है पहले पूरा प्रोसेस पढ़ लें, प्रोसेस पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा राइट हैंड पे अप्लाई ऑनलाइन का, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये लेकर जाएगा नीचे फॉर्म को प्रोसीड करने के लिए, सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नेक्स्ट पेज पर, और फिर जो है आपको फॉर्म दिख जाएगा। सो भाई देखो, यही बोलूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली वीडियोस आपसे गलती से भी मिस ना हो, जो नीचे लाल कलर का बटन है और बेल आइकन का बटन है उस पर क्लिक करके। और प्लीज़ एक और रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना ताकि उन बच्चों की मदद हो सके। और किसी की भी वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, थोड़ा देख के केयरफुली देखिए ताकि आपको किसी गलती का सामना ना करना पड़े, और जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से
आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आप जो है प्रॉपर तरीके से भर पाए। धन्यवाद।